वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और यह है क्रिस्पी चिकन बर्गर्स। इनके लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिया बोनलेस चिकन, ये देख लें इस तरह से हमने इसके पतले पतले से और लंबे से इसके पीसेस कर लिए हैं बोनलेस चिकन के। ये ब्रेस्ट पीसेस हैं, एक को हमने हाफ ली थी और उसके बीच में से हमने काटे हैं तो इसके तीन बन गए। ये हाफ में से तीन बनते हैं, तीन बन चुके हैं इसके। और ये मैंने लिया है हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेशक रहने दें इसको। और ये मैंने सिरका लिया है, वाइट विनेगर है ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून, और ये मैंने क्रश किया हुआ लहसुन लिया है ये है 1 टीस्पून, और इसमें मैंने लिया है ये सॉल्ट है 1 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर है ये 1 टेबल स्पून है, और काली मिर्च का पाउडर भी 1 टेबल स्पून है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, इन सारी चीज़ों को इस पर लगाएंगे। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें अब हम ये चिकन के पीसेस डाल देंगे। और इसमें अब हम ये डालेंगे हॉट सॉस, ये अगर है तो डाल लें, अगर नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं है। ये हमने विनेगर लिया था 1 टेबल स्पून, ये लहसुन का पेस्ट है, और ये स्पाइसेस हम सारी डाल लेंगे। इसको हमने कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करना है, और आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 घंटे तक भी आप इसको कर सकते हैं, पर कम से कम आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। अब ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हर तरफ देखें बिल्कुल सही से। अब हम इसको छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, और उससे ज़्यादा आप 2 से 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। अब हम चिकन की कोटिंग रेडी करेंगे, और इसके लिए हमने 2 कोटिंग बनानी है, एक हम वेट बनाएंगे और एक ड्राई। पहले हम ये वेट वाली कोटिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें एक अंडा चाहिए, और ये हमने मिल्क लिया है ये 3 से 4 टेबल स्पून है, सॉल्ट हमने लिया 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून हमने लिया है। अभी हम इन सब चीज़ों को एक बॉल में मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंडा डालेंगे, मिल्क डालेंगे, और ये स्पाइसेस सारी डाल देंगे, और अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। देख लें ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी ड्राई कोटिंग रेडी करते हैं। ये हमने प्लेट में ले लिया मैदा, ये तकरीबन है 1.5 कप के बराबर, और इसमें हम ये स्पाइसेस डालेंगे। ये मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून, और काली मिर्च का पाउडर भी हमने 2 टीस्पून लिया या 1 टेबल स्पून, और ये मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, ये लहसुन का पाउडर है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने चिकन पे तो लहसुन का पेस्ट लगाया था, तो अगर आपके पास है तो आप इसको डाल लें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है। बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1/2 टीस्पून, ये मैंने लिया 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो हम केक वगैरह में डालते हैं ना, ये वो वाला है बेकिंग पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दोनों कोटिंग्स रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से एक उठाएंगे, इसको पहले वेट में डालेंगे और फिर ड्राई में, दूसरे हाथ से इस तरह इसको अच्छे से मैदा लगा देंगे। आप दोबारा से एग वाले मिक्सचर में डालेंगे, और दोबारा इस तरह से लगा के इस पे मैदे वाला मिक्सचर, 2 दफ़ा हमने इसको कोट करना है, और बहुत अच्छे से इसके साथ इसको लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और रेसिपीज़ ट्राई करें, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि किस तरह की बनी। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा जो मैदा है वो उतर जाएगा, बस ये हमारी रेडी होगी। इस तरह से हम सारी कर लेंगे। अब
अब हम बर्गर्स का सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़, लिया है मैंने हाफ कप, मस्टर्ड पेस्ट है ये तकरीबन हाफ टी स्पून है, और ये मैंने लिया चिली गार्लिक सॉस, ये भी हाफ कप है। इन तीनों चीज़ों का अब हम मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली गार्लिक सॉस बेशक कम कर लें, या इसकी जगह आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। अब इसको मिक्स कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, ये हमारी सॉस रेडी है। ये हमने सारे पीसेस पे कोटिंग कर ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, ये हम इस तरह से रख देंगे। चूल्हा आपने जो है वो मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है ताकि अच्छे से चिकन पक जाए। अभी ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी थोड़ी सी साइज चेंज कर लेते हैं। ये कितना खूबसूरत है, इस पर कलर आ गया। तो इतना ही कलर लाना है हमने। अब इस साइड पे भी हम तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट तक पका देंगे। अब तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट। अब ये देखेंगे साइड भी हमारी कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन होगी। बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें पकाना, और इसकी साइड से एक एक दफ़ा आपने टर्न करनी है, बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं करनी। बस अभी हमारे रेडी हैं, ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम अपने बंस को गर्म कर रहे हैं इस पे तवे पे। थोड़ा सा मैंने सिर्फ ऑयल लिया है और ये बंस रख दिए हैं, इनको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम अपने बर्गर्स को रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इस पे सॉस लगाएंगे, एक साइड पे लगाएंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप दोनों साइड्स पे लगा सकते हैं। फिर मैं इस पे लेटस रखूँगी, लेटस की जगह आप सलाद का पत्ता भी ले सकते हैं। अब इस पे हम चिकन रखेंगे और इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, चीज़ का स्लाइस। ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं। इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इस तरह से अपने सारे रेडी कर लेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बर्गर्स रेडी हो चुके हैं, साथ में हमने ये क्रिस्पी फ्राइज़ बनाए। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ से आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बने, आपने ज़रूर ट्राई करने। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी रोज़ आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।